न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप सब ने अभी तक बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा आर्टिकल न्यूज़ में ये तो सुनी चुके हो कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है, लेकिन वीडियो पे मैं अपना राय देने वाला ऐसा स्टूडेंट कि क्या क्या चीज़ें अच्छा आया और क्या क्या चीज़ में अभी भी बदलाव का जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। तो वीडियो में आपको बेसिक तरीके से समझाने वाला, बिल्कुल मैं ऐसे आपको आर्टिकल देख के या फिर बहुत सारा अंडर घुस के नहीं, बल्कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है और क्या क्या सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो देखो, अगर मैं बात करूँ नया एजुकेशन पॉलिसी के पहले की बात करूँ, जैसे अगर मान लो कि पहले क्या होता था, क्लास 10 प्लस 2 मतलब 10 11 12, लेकिन अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया उसमें 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का जो भी बेसिस है, फिर जो आपका कर दिया गया, अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया 2020 में, इसमें बच्चा का सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, स्किल, ट्रेनिंग, रीजनल लैंग्वेज, कोडिंग, मैसिंग लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। इससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल बच्चों का स्किल में डेवलपमेंट होगा, उसका पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग में, म्यूजिक में, उसका लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, मतलब एक बच्चा हर एक चीज़ सीख के स्कूल से कॉलेज से निकल सकता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है मुझे लगता है, जैसा स्टूडेंट बताने वाला कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का फंडा क्या और ये क्या है, और यही बेसिक चीज़ जो चेंजेस आया एजुकेशन सिस्टम में। प्लस 5 हो गया, प्लस 5 का मतलब जो भी बच्चा का प्री स्कूल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, क्लास 1 क्लास 2 तक, मतलब बच्चों को डेवलपमेंट के ऊपर, खेल कूद, बाकी जितना भी चीज़ें होता है उसको सिखाया जाएगा प्री स्कूल में, मतलब आपका जो भी फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक। उसके बाद का सेक्शन आता है प्लस 3, मतलब जो आप बच्चा का प्रिपरेटरी के ऊपर, मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 5 के बीच में, तो उसमें बच्चों को जो भी उनका लैंग्वेज हो गया, उसका ट्रेनिंग हो गया, बाकी जितने भी पढ़ाई हो गया, स्किल्स हो गया, उसके ऊपर सिखाया जाएगा, मतलब एक फाउंडेशन के बाद जो प्रिपरेटरी में यूज़ होता है बच्चों को सिखाने के लिए, ओवरऑल में बच्चों को सिखाया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस, बाकी जो भी चीज़ें होता है वो सिखाया जाएगा आपका प्लस 3 में। तो आपका मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल का मतलब है प्लस 3, प्लस 3 का मतलब है क्लास 6 से लेकर क्लास 8, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा पहले का एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि अगर पहले की बात करूँ क्लास 6 से 8 तक कुछ नहीं होता था, बस पढ़ाई होता था, लेकिन अभी अगर बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच में जाता है तो उसको मैसिंग लैंग्वेज, कोडिंग, सॉफ्टवेयर और बहुत सारा बाकी जो भी टेक्निक हो गया, मॉडर्न AI लर्निंग और बहुत सारा ओवरऑल डेवलपमेंट में सिखाया जाएगा। तो इससे जो बच्चा क्लास 6 से लेकर 8 है उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनको ओवरऑल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक नॉलेज होगा, और इससे एक चीज़ अच्छा होगा कि बाकी जो इंडिया का बच्चे हैं वो लोग US चाइना के बच्चे के साथ टक्कर दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया। लेकिन उसके बाद बचता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आपका प्लस 4, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 12 का बीच में, वही आपको पता है कि बच्चा का सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा बल्कि उनका ओवर स्पोर्ट्स हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, उनका स्कूल में किस तरीके का परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस, फिर टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, दोस्त के साथ कैसा बिहेवियर है, उसका सारा चीज़ों को लेने के बाद उनको उनका मार्क्स दिया जाएगा। पहले ही होता था बस उनको पढ़ाई को लेकर मार्क्स मिलता, लेकिन अभी ओवरऑल डेवलपमेंट, अटेंडेंस, बिहेवियर सबको मैच करके, सबको मिक्स करके उसका जो भी मार्क्स होगा बच्चों को ओवरऑल दिया जाएगा आपका सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 9 टू 12 के बीच में, ठीक है। बस मैंने आपको ऊपर ऊपर समझा दिया कि क्या होता है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का चीज़, ठीक है। और पहले क्या होता था, मान लो कोई कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया या फिर आर्ट्स ले लो, अगर मान लो कि कोई साइंस का स्टूडेंट हो सिर्फ उनको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, तो अभी जो नया सिस्टम है, नया एजुकेशन सिस्टम का अगर बात करो तो यहाँ पे अगर कोई साइंस भी लिया तो उसको म्यूजिक हो, उसका बाकी जो भी अगर मान लो कि उसका कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ है, कोई सब्जेक्ट उसको पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। तो पहले जैसा नहीं है, अभी अगर आप कोई भी स्ट्रीम ले लो लेकिन आप जो सब्जेक्ट चाहो, अगर साइंस में हो गया, अगर म्यूजिक हो गया, अगर कोई भी ऐसा बेसिक सब्जेक्ट हो उसको चूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो बहुत बड़ा थम्स अप है इसके लिए। कॉलेज में पहले जैसा ही आपको अंडर ग्रेजुएशन करना है तो 3 to 4 ईयर्स का टाइम है, और अगर आपको पीजी करना है तो 1 to 2 ईयर्स का टाइम है। लेकिन सबसे अच्छा डिफरेंसेस क्या, अगर मान लो कि पहले कोई बच्चा हो गया, कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, मान लो कि 1 semester 2 semester पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ दिया, तो उसको क्या होता, छोड़ने के बाद उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी का सिस्टम में अभी मौका है कि वही से फीसेस कंटिन्यू कर सके, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बाकी ये बस मैंने ओवरऑल समझा दिया क्या क्या चीज़ें हैं, चेंजेस है एजुकेशन सिस्टम में, नया एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे लगता है मिसिंग है अभी भी, क्योंकि हम 2020 में हैं और एजुकेशन सिस्टम अगर बदल गया तो ये चीज़ ज़रूर मुझे लगता था कि होना चाहिए था, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि हमारा सेक्स एजुकेशन के ऊपर। अभी देखो ये वर्ड सुन के बहुत लोग घबरा जाएंगे, देखो ये चीज़ घबराने वाली नहीं है, हमारे इंडिया में ये टैबू है कि अगर ये सब वर्ड कोई ले ले या फिर वर्ड के बारे में बात करें तो लोग शर्मा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन देखो जब हम लोग एक बच्चा को बचपन से ये जो एजुकेशन है इसके ऊपर सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ करना अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, तो उनको एक आइडिया रहेगा कि हाँ आगे जाके ये चीज़ गलत हो सकता है, अच्छा हो सकता है। फिर आगे जाके बहुत सारा ऐसा केसेस, जो मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट जैसा केसेस होता है लड़कियों के ऊपर, तो वो सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इंडिया में, अगर हम लोग बचपन से एक सब्जेक्ट हो स्कूल में जो बचपन से बच्चा को सिखाया जाए, बचपन से हम सिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये एजुकेशन है, ये सेक्स एजुकेशन है, ये करना ज़रूरी है, ये चीज़ गलत है, तो बच्चा भी बचपन से सीख के बड़ा होगा तो उसको भी एक पता रहेगा, एक नॉलेज रहेगा कि हाँ ये चीज़ करना गलत है। अगर किसी और को देखेंगे करते हुए तो उनको जाकर रोकेंगे, उनको समझाएंगे, जो पेरेंट्स देख रहे, टीचर देख रहे, स्टूडेंट देख रहे, इस बात को समझो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, हिंदी मीडियम, रीजनल लैंग्वेज, कोई भी मीडियम से पढ़ो, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट, एक सबसे एक सैडोशन के ऊपर एक सब्जेक्ट, एक बेसिक सब्जेक्ट, एक बेसिक नॉलेज बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। क्योंकि हम 2020 में रहते, अगर अभी भी इस वर्ड को हम टैबू बना के रखेंगे सेक्स एडुकेशन को,
तो बहुत सा चीज़ें गलत हो रहा है आपको पता है देश में, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर एक लड़की का हक है कि इस देश में सेफ होकर घूमे और बिना डरे घूमे। तो ये सब एडुकेशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग स्कूल से ये सब चीज़ें सिखाया जाएगा, घर पर पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे, बल्कि ना कि डर के, ना कि शर्मा के, बल्कि उनको समझाए कि हाँ ये चीज़ें, क्योंकि हर अगर मान लो कि एक लड़का लड़की के बीच में डिफरेंसेस करना बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी हो, बहुत सारे सोसाइटी की बात करो, बहुत सारे हैरेसमेंट की बात करो, बहुत सारे काम सकते हो। हमने एक डिफरेंस पैदा कर दिया लड़का लड़की के बीच में कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, लड़की है तो यहाँ नहीं निकल सकती, बहुत सा सोच, बहुत सा मेंटेलिटी, आप सबको पता है, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँ। लेकिन अगर एक ऐसा एडुकेशन हो, सेक्स एडुकेशन की बात करो, या फिर ऐसा इक्वलिटी, या फिर कुछ भी एक सब्जेक्ट हो जिससे लड़का लड़की के बीच में डिफरेंसेस ना करके बल्कि उनको ये सिखाया जाए कि दोनों इक्वल है, हम लड़का हम जो लड़की हो सब में वही खून है, सबका स्किन भी वही है, कलर भी, बस फिजिकल बॉडी पार्ट को छोड़कर सब कुछ सेम है, सेम प्लेनेट से है, सेम है। तो डिफरेंसेस हमने इंसान ने बनाया, कहीं पे भी लिखा नहीं था लेकिन हमने बनाया डिफरेंसेस। अभी हमारे पास मौका है, अगर एडुकेशन सिस्टम बदल रहा है तो ये सब सब्जेक्ट्स इक्वलिटी के ऊपर, सेक्स एडुकेशन के ऊपर जरूरी है, क्योंकि हम अगर बचपन से सब सीखेंगे तो देश बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा, अभी भी और ज्यादा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर समझे बहुत बढ़िया, थम्स अप। क्या आपको लगता है सब्जेक्ट होना जरूरी है स्कूल में या कॉलेज, फैला दो, सब तक शेयर करो, क्योंकि मैं हमेशा मैं लॉजिकल पॉइंट रखता हूँ आपके सामने, फैला दो सभी सबके साथ ताकि ये न्यूज सब तक पहुंचे और काश ये सब्जेक्ट ऐड हो जाए तो बहुत बेटर हो सकता है। सब्सक्राइब करो, मैं हमेशा आपको लॉजिकल तरीके से वीडियो देता हूँ, मैं लगे देखने, शुक्रिया, स्टे सेफ, ग्रेट डे, बाय।